हे गाइस ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यू वाचिंग सक्सेस सही क्यों आज है नाइनटीन ऑफ अक्टूबर आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा हिंदू के ट्वेल्थ सेक्शन से कवर किया गया एकदम शॉर्ट वीडियो होता है चार पाँच मिनट का होता है तो तीन मिनट में निपटाना चाहते हैं टू पे करके देख लीजिए क्या दिक्कत है एकदम पूरा लेकिन एकदम इतना शानदार वीडियो रहेगा कि मज़ा आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ क्या कह गई थी हाँ लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती सिंपल सा बात है कलम तो सबके पास होता है लेकिन हौसला सबके पास नहीं होता है हौसला बना करके रखना यार परिस्थिति कैसा भी हो हौसला आपका एकदम सही है ना तो आपको सफलता एकदम मिलना एकदम तय फिक्स है एकदम है ना चलिए शुरू करते इसी के साथ सबसे पहला जो वर्ड है बेट जो कि एक वर्ड जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना एकदम खराब बना देना एकदम है ना और जो उसको एक जर्स्ट वेट कहा जाता है एग्रा वेटेड वेट जो कि एक वर्ब है इसका इसका भी मतलब वही होता है टू मेक समथिंग वर्स एकदम बद बत से बदतर बना देना एकदम और ज़्यादा ख़राब था ये उसको और ज़्यादा बना देना बोलते हैं ना एक तो कंगाली था उसमें भी आटा गीला हो गया है ना कंगाली में आटा गीला सही बोला ना मैं उसको यही बोलते हैं है ना और uh, जो कि एक ना एक मिनट डिसग्रंटलमेंट जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसप्लेजर या फिर डिस डिसटिस्फैक्शन एकदम असंतोष जो हो जाता है ना मतलब आपको सेटिस्फेक्शन रहता ही नहीं उसको डिसक्रंटलमेंट कहा जाता है लूमिंग जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन शून और कॉजिंग वरी एकदम मतलब कुछ होने वाला जो रहता है ना अनप्लीजेंट जो नहीं चाहते एकदम होने वाला है उसी को लेकर एकदम टेंशन आ जाता है उसको लूमिंग कहा जाता है डिसकंटेंट जो कि एक नाउन जिसका मतलब असंतोष मतलब द तो स्टेट ऑफ बींग अनहैप्पी विथ समथिंग उसको असंतोष कहा जाता है प्रोपेगेशन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है इंक्रीज और नंबर एकदम नंबर में इंक्रीज कर देना एकदम पूरा एकदम है ना एकदम छोटा 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 छोटा, छोटा, छोटा एकदम बढ़ते जाना है ना उसको प्रोपेगेशन कहा जाता है ऑस्टेंसिबल जो कि एक एजेक्टिव इसका मतलब होता है वास्तविक जैसा लेकिन वास्तविक नहीं रहता मतलब श्विंग और स्टेज टू बी ट्रू मतलब ऐसा लगता है कि ये सही है लेकिन एक्चुअली में वो सही रहता नहीं है उसको ऑस्टेंसिबल कहा जाता है पोट टेंडिंग uh, पोटेंडिंग जो कि एक वर्ब है इसका मतलब होता है टू बी शाइन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट स्पेशली अनइम्प्लीजेंट मतलब पहले अगर कुछ आपके साथ गलत होने वाला है पहले ही आपको आवास हो जाता है सोचिए कि फिर से गलत होगा है ना पोटेंडिंग उसको कहा जाता है ट्रांस ग्रीसज जो कि एक वर्ब है इसका मतलब उल्लंघन कर देना मतलब वायलेंट हो जाना एकदम रूल रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना ट्रांसलेशन कहा जाता है कि सेशन पसंद आया है ना तो बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए घंटा पे दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आ जाए है ना और इंसाइटमेंट जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उकछा हुआ है नहीं बोलते है, पुक करते करो ना करो ना यार समथिंग डेट इनकरेज बैड बिहेवियर जो होता है ना एकदम तुमको गाली दे के चला गया मारो शाले को एकदम गलिया देते हैं ना एकदम उकसाते हैं तुम तुम्हार, तुम्हारे जगह पे हम रहते हैं ना तो आज तो हम आग लगा देते एकदम उकसा देते हैं इन तो उसको कहा जाता है एस्पेरिगली uh, जो कि एक एडवर हो जिसका मतलब किफ़ायत से मतलब इन्हें इकोनॉमिकल और लिमिटेड वे में जो रहता है ना एस्पेरिंगली उसको कहा जाता है क्विट दपी जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर समन टू डू टू अचीव और वट दे आर ट्राइंग टू डू है ना मतलब एकदम uh, क्या है टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट मतलब किसी चीज़ को करना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है अगर आप उसको पाना चाहते हैं ना तो आपको बहुत सारा कथाइयों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप कोशिश कर तो होगा क्विट पिच कहा जाता है सॉरी <coughs> इंसेसिव <Sorry. coughs> <coughs> <inthicesive> जो कि एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है <coughs> खांसिया भी क्यों हो रहा है इंटेलिजेंटली एनालिटिकल या फिर क्लियर जो थे थॉट जो रहता है ना किसी भी चीज़ को लेकर एकदम क्लियर वे में अगर आप सोचते हैं ना उसको इंसिसिसिव कहा जाता है और अनइक्कल जो कि एक ऑब्जेक्टिव इसका मतलब स्पष्ट एकदम क्लियर लिविंग नो डाउट कहीं कोई डाउट है ही नहीं यार डिमोन्स्ट्रेशन मतलब एक नाउन है जिसका मतलब किसी बात के साथ तो होने का जो आभास रहता है ना उसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है है ना और uh, डेकोरम जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर डेट इज एप्रोप्रिएट इन सोशल सिचुएशन जो रहता है ना आपको जो शिष्टाचार जो है ना जैसे स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन द सेंस ऑफ डेकोरम इन द स्कूल तो भाई ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग भी लिख के जरूर बताए जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड कीप वॉचिंग